नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल रितेश के ब्लॉग में। जैसे कि देख सकते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने कलाकार अधेश प्रेमी जी के माता जी। तो सबसे पहले माता जी को प्रणाम बोलेंगे। माता जी नमस्ते, आप कैसी हैं? बढ़िया बनी? हाँ ठीक बढ़िया। तो भाई देख सकते हैं कि हम यहाँ पर माता जी से बातचीत करेंगे कि अधेश प्रेमी भैया जी कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या हुआ, कब से वो सिंगिंग करते हैं, कब से गाना गाते हैं। तो माता जी सबसे पहले हमके आप ये बात बताई कि मतलब कब से उनके गाना गावे में मन लगा रहे? बाबू होती है तो ये दूगो लेकर बा, हाँ दूगो बाबू, मतलब 10 बरिस के रहे तब से। हाँ होती है चूसे पढ़े ला भेजी भाग जाए एने। अच्छा, एने मोतिहारी भेजी भक्ति का दिली जो उतर पढ़ी ओहू लंग से केनहू भाग जाए। अच्छा, आ खाना बनावे बैठ जाए तो एगोड़ा छिपर ले एगोड़ा लोटा हूँ लेवे। अच्छा, आ बजावे लागे। हम कहली जे हम खाए के छोड़ के चल जाए जे तोनी कथी बजब तारा तो या हमें ताल मारे दे। अच्छा, हाँ तू हाँ, खाना बनाओ हम ताल मरे तारी। अच्छा, आ लोटा पर छिपा पर हाँ, बजावे हाँ, आ वही लेखा करे धरे उकेनहु वही में गोने में रह के। अच्छा, हाँ मन पढ़ाई पर मन लगे। हाँ पढ़ाई पर अति चिपे बच्चा रहे। अच्छा, आ पढ़ाई पर उनका ध्यान ना रहे, पढ़ाई पर मन नहीं लगता ना, पढ़ाई पर ध्यान ना। अच्छा, मैट्रिक के परीक्षा जब पढ़ते पढ़ते मैट्रिक के परीक्षा पढ़ल एने भाग जाए ओने भाग जाए। हाँ उ अथी रहे ना। अच्छा, गाने में। अच्छा, कब एनी गाना गावस कब ओनी गाना? हाँ हाँ, केनहु ना उ बिलमस खाली गाने में केनहु गाने में भागस। अच्छा, सुनाली आ नन्हिये चूसे उ गाना गौलन। अच्छा हाँ, तो वही ला हमने का जब दुनू बेटा का माइत गेल लगौले गेली। अच्छा, कहलन जे अब इनका यही में देह बा। हाँ, लगौले गेली। हाँ, आ का भेलक जे एगो हाथ पर ढेबाना केनहू से अवस्था बाबू के ATM दे दी। हाँ, ये केनहू बहरा के अपन लगाई है माने घर से सब कोई। हाँ, मतलब मिल के सपोर्ट कर लगा सबके। हाँ, सब दोनों भाई। कितना भाई बने? तीन भाई है बहन, तीन गो बाबू बड़न हमार। अच्छा, तो माझी ले में छोट छोट का सब ले बच्चा बड़न सबसे छोट है तो बाकी जन दोनों भाई बड़ बने सबको सपोर्ट करे लगा पैसा रुपया दे दे के भाई तू गाना गा। हाँ अच्छा, सब कहे जे अब बउआ हमार वही में अब ओकरा धे हो गेल तब वही में। अच्छा मम्मी बताई जैसे कि केहू के घर के बेटा आगे बढ़ेला तो खुशी होला, अभी काफ़ी लोग आपसे मिले होता, काफ़ी लोग वीडियो बनाया होता, आप ए बरा सबके मोबाइल पर आप देखते हैं उनका गाना चला था तो कैसा लगेगा, खुशी होला अंदर से? बड़ा खुशी। हाँ हाँ, बहुत खुशी। अच्छा हाँ, तो आपके ऐसा लगल कि अगर वो पढ़ते तो पता नहीं इतना नाम ना हो पाई लेकिन ए बरा गाना का क्या अपने नाम का ले ले बाड़ी। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा लगेला, बहुत हमने के अच्छा लगेला। हाँ, बहुत खुशी रही ले। हाँ, केनहू से बाबू आवलन तो बहुत खुश रही ले। अच्छा, अभी हाँ, सुनने में आया कि मतलब वो घर पे आई रहन अभी चल। हाँ चल गेल। अच्छा हाँ, आज 4 दिन तब बाहर ले भेल बड़ा। अच्छा हाँ, तो इसे मतलब घर पे भी आवत रहलन देखत रहलन? हाँ आवत रहलन, घर पर आवलन। हाँ हाँ, अब तो केहू लेखा 20-25 दिन पर गेलन। अच्छा, फिर नहीं है नहीं है वोट बा। हाँ वोट में आई है चली। और जे भी लोग बाचे उनका एक कह मतलब जो भी इतना अपन लड़का के प्यार देता जे भी बाचे सब उनका गाना सुना तो देखा था उनका और ही क्या कहे का हम। हाँ तो बाबू हमारे आगे बढ़ो समनी सब खुशी बाड़ी, सबका गांव नगर के सब लोग खुश बा। अच्छा हाँ, गांव नगर ये बेरा तो मतलब शाम सवेरे रोज 4-5 आदमी आओ थी दुआर पर बैठे उठे ए लंग तो सामा सूद ना रहली। अच्छा, 10 गो एने से 20 गो एने से कौन दिन न हजे आवल। अच्छा, बल तो सवेरे 5-6 गो आए रहा ना तो कहलिए जे बाबू चल गेल बड़न। हाँ, तो चल गेल है। अच्छा, कौन दिन नहीं खे जे 10 गो आदमी लंगा वाले। अच्छा, गांव नगर के सब आदमी। हाँ, मतलब सब खुशी, सब खुशी, सब खुश बा। अच्छा हाँ, चलिए माता जी आपके हम फिर एक बार नमस्ते बोलते नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करे खातिर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यही रही अधेश प्रेमी जी के माता जी, जिनसे हमने काफ़ी बात किया, बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपको हमने दिखाया अधेश प्रेमी की माता जी का इंटरव्यू, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा आपको। हालाँकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने खेसाई लाल के घर पर गए थे, उनके पापा का इंटरव्यू किया था, चाचा का इंटरव्यू किया था आज से 1 साल पहले, जो कि वीडियो का आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, 4.8 मिलियन हो गई थी। फिर से पवन सिंह घर पे गए थे, प्रमोद प्रेमी घर पे गए थे, तो ऐसे भोजपुरी के तमाम कलाकारों के घर पे मैं गया हूँ और वीडियो बनाया हूँ इंटरव्यू का और घर भी दिखाया आपको। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबके कलाकारों के घर पे जाते हैं, कोई कोई अच्छा होता है, कोई कोई बुरा होता है किसी का घर का व्यवहार। तो अभी हम इनके अधेश प्रेमी घर पर आए तो बहुत अच्छा से इन्होंने बात किया, उनकी माता जी ने नाश्ता पानी से लेकर हर एक चीज़ बहुत अच्छा है सभी लोग किए।
तो बहुत हमको अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि माता जी का अभी तक किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया था, तो हमने अपने चैनल पर सबसे पहले इंटरव्यू लिया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैं अभी बिहार में आया हूँ 2-3 दिनों से, तो यहीं पर रुके हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अवधेश प्रेमी के जो बालक थे, जो छोटा बच्चा यहाँ पर दिख रहे हैं, उसको भी हमने लिया, देख रहे थे, वो खेल रहा था, तो सोचे कि चलिए उसे दो बात कर लेते हैं। तो अवधेश प्रेमी जी अभी मतलब बोल रही थी उनकी मम्मी कि 4-5 दिन पहले घर से निकले हैं, वो इसके पहले 25 दिनों से लगभग घर पर ही थे, और अगर हम 2-4-5 दिन पहले आए होते तो शायद उनसे मिल लेते, उनका इंटरव्यू आपको दिखाते, लेकिन अभी वो शूट पे चले गए हैं, गाना वाना चाहे जो भी उनका एल्बम आता है तो उसके लिए वो चले गए हैं दिल्ली, इसीलिए हम उनका इंटरव्यू नहीं दिखा पाए। उनकी माता जी का इंटरव्यू किए, उनके छोटा सा बालक था उनसे थोड़ा बात किए, फिर उनका आपको घर दिखाए। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही मतलब कलाकारों का वीडियो बनाते रहे और अपना खुद का भी पर्सनल हम ब्लॉग भी बनाएंगे इस चैनल पर। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई को सपोर्ट कीजिए जैसे अभी तक करते आए हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई साहब हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पर प्यार दिखाइए, आप लोग शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए, उसके बाद हमको मालूम चलेगा कि हाँ अगला वीडियो हम किसका बनाएं। और साथ ही साथ हम यही बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो होगी वो होगी NGTV के बहुत ही मशहूर जो कि पत्रकार हैं, जिनका नाम है रवीश कुमार, जो भी खबर देखता होगा वो बिल्कुल मेरे को मालूम है, विश्वास है कि उनको जानता होगा। जो रवीश कुमार है वो विश्व प्रख्यात है, भारत में तो उनका सभी लोग लगभग पत्रकारिता के दीवाने हैं। जो भी वो मुद्दा उठाते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपने बात को प्रदर्शित करते हैं, और जो बात रहती है, जो सच्चाई रहती है, वो खुद बोलते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, आप उसकी बातों पर ना जाइए, TV की खबरों पर विश्वास ना कीजिए, जो रियल फैक्ट है उसको आप देखिए, उसको समझिए। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका घर का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, मतलब इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो उन्हीं की होगी, रवीश कुमार जी की घर की। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और उसमें हम आपको दिखाएंगे उनका घर कैसा है, और उन पर बातचीत करना चाहेंगे, जो भी उनके घर में कोई मौजूद होगा, अगर चाहे गाँव वाले होंगे चाहे कोई भी, तो उनसे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि रवीश कुमार का घर कैसा है, उनका गाँव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ऐसे ही प्यारा सी बात बनाए रखिए, और एक के बाद एक हम वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, और इतना सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लव यू। तो आपको हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे साथ थे प्रिंस तिवारी जी, जिनका चैनल है प्रिंस तिवारी ब्लॉग नाम, प्रिंस ब्लॉग नाम से। तो भाई इनको भी आप सपोर्ट कीजिएगा जैसे आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, और भाई का भी सब्सक्राइबर पूरा बढ़ाइए, प्यार दीजिए इनकी वीडियो पर। हालाँकि अभी हम लोग गए थे यहाँ पर अवधेश प्रेमी के घर पर, साथ में वीडियो बनाए, और अभी रवीश कुमार के घर भी जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो भाई से बोलेंगे, भाई कैसा लग रहा है मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये उतना दूर से आए, बलिया से, यूपी से, बिहार में, और पूरा वीडियो बनाए। तो भाई का चैनल का नाम क्या है भाई? मेरा हाँ प्रिंस तिवारी ब्लॉग्स। तो इनका चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पर जाइए और इनको ही भाई को सपोर्ट कीजिए भाई, और साथ में इनको भी कीजिए, हम दोनों को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, लव यू, धन्यवाद।